फिर एक बार सियासत का रुख करते हैं और जानते हैं कि हुकूमत के यानी सियासत के सितारे क्या कहते हैं, आगे क्या होने वाला है। उनसा शाह फेमस टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बात करेंगे, सवालात करते हैं। जी उनसा, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं उनसा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। उनसा ये बताइएगा कि अभी हुकूमत को आए हुए तो एक महीना भी नहीं हुआ है और इख्तलाफात की खबरें जो हैं वो सरगर्म हो रही हैं चारों तरफ से, और ये भी पता चला है कि बिलावल लंदन गए हैं दौरे पे। और आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत इस तरह की जो नाराज़गियाँ चल रही हैं हुकूमत में, कितनी देर चल पाएगी हुकूमत इस तरह से? जी वजह आपको याद होगा कि मैंने पिछली जो प्रेडिक्शंस की थी उसमें मैंने आपको यही कहा था कि ये आपस में इन पार्टीज में ही जो अख्तलाफात जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, फटे शुरू हो जाएंगे और ये हुकूमत चलाना जो है वो काफी चैलेंजिंग होगा। तो आप देख रहे हैं सिचुएशन यही है, कोई इतनी स्मूथ और स्टेबल गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही है। और अभी आज की जो एनर्जी जो मैंने देखी है उसमें भी सेवन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। सीक्रेटली जो भी मीटिंग्स भी हो रही हैं, सीक्रेटली ये लोग आपस में जो है कॉन्टैक्ट कर बातचीत की तरफ जो है कोशिश तो कर रही है कि ये गवर्नमेंट जो है नू लीग स्पेशली जो है वो उनकी गवर्नमेंट स्टेबल हो जाए, लेकिन मुझे चीजें स्टेबल होती भी नजर नहीं आ रही। नू लीग में की तरफ जो है वो फेवर करते हुए मामलात मुझे नजर नहीं आ रहे। ये जो हुकूमत है इस वक्त जो है वो काफी कमजोर है, क्योंकि यहाँ पर तलवारें ही तलवारें मेरे कार्ड में हैं, सेवन सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स। सही। अच्छा, अगर मईशत की बात करें तो जी जी बोलिए। बे इंतहा कॉन्फ्लिक्ट और बे इंतहा इख्तलाफात मुझे नजर आ रहे हैं और ये मामला जो है इलेक्शन की तरफ जो जाते है हुए वो नजर आ रहे हैं, बती हुई नजर आ रही है। सही। ये पहले भी आपने कहा था कि इलेक्शन जल्दी होने के इम्कान है और इलेक्शन जल्दी ही होंगे कि इंटरनली इनके मैटर्स इस तरह से इश्यूज क्रिएट होंगे, और वैसे भी हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान ने वैसे ही जल्द इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया है। आप ये बताइए कि जैसे मईशत के जो मसाइल हैं नई हुकूमत को देखने पड़ रहे हैं, जिस तरह से वो कह रही हैं कि पिछली हुकूमत यानी कि वजीर आजम इमरान खान, जो सबका वजीर आजम इमरान खान थे, वो कुछ भी छोड़ के नहीं गए हैं अकाउंट्स में, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी कि आप किस तरह से वो आगे मईशत को चलाएंगे, बेहतर करेंगे आगे, किस तरह से हुकूमत चलाएगी मुल्क को? जी देखिए, आज की अगर मैंने कार्ड जो मैंने निकाले हैं उसमें फोर ऑफ सूट्स का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देन लवर्स का कार्ड है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये हुकूमत जो है जहाँ तक लोगों को पब्लिक को तवक्कात दे रही है कि हम लोग इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, लेकिन आप आज भी देख लें कि डॉलर का जो आपने देखा होगा कि डॉलर बढ़ता जा रहा है। और हाँ, बजट जो है जो आने वाला थोड़ा बहुत रिलीफ, यानी कि वो भी मैंने आपको याद है लास्ट टाइम मैंने कहा था 19-20 का फर्क आएगा, कोई ज्यादा मुझे इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी कोई स्टेबल इकोनॉमी नजर नहीं आ रही, बहुत बड़ा आवाम के लिए रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रही, जो महंगाई चल रही है। सही, चलें जी, आवाम के लिए रिलीफ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और पहले भी मैं बता चुकी हैं काफ़ी सारी चीज़ें कि इस तरह से सूरत हाल होगी, उन्होंने पहले भी कहा था कि 19-20 बेहतरी आएगी, लेकिन वैसे ज़्यादा रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।